हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्नैप इन्फो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ व्हाट्सएप की नई पॉलिसी के बारे में। इसमें क्या कुछ चीज़ें चेंज की गई है और ये अभी आपके लिए कितना सिक्योर है कि नहीं, और इसको लेके लोग परेशान क्यों हैं। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि जो इसके अल्टरनेटिव है टेलीग्राम, और नया जो एक एप्लीकेशन आया जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, उसका नाम है सिग्नल ऐप, ये सिक्योर है कि नहीं, इसके अल्टरनेटिव हम यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, और हमें स्विच करना चाहिए कि नहीं। तो इन सारी चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं एक एक करके। तो वीडियो को आपको ध्यान से एंड तक देखना है ताकि आपकी जो भी कन्फ्यूजन हो, जो भी आपके मन में डाउट हो, तो व्हाट्सएप से रिलेटेड वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाए और आप डिसीजन ले सके कि आपको व्हाट्सएप चलाना है, टेलीग्राम चलाना है, या सिग्नल ऐप पर स्विच कर जाना है। और सिग्नल ऐप का नाम गाइस यहाँ पर बार बार इसलिए आ रहा है क्योंकि सिग्नल ऐप जो है वो एक ऐसा एप्लीकेशन है जो कि व्हाट्सएप की तरह बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी करके बनाया गया है। लेकिन यहाँ पे खास बात यह है कि जो व्हाट्सएप की पॉलिसी है जिसमें बहुत सारी चीज़ें हमें परमिशन में मांग ली गई है, वो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं मांगा जा रहा है। उसके अलावा दोस्तों, जो इस टाइम दुनिया के सबसे अमीर आदमी रिचेस्ट पर्सन है एलोन मस्क, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया और उसमें उन्होंने सिग्नल एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए सलाह दी है, लोगों को रिकमेंड करा है। तो गाइज, इसीलिए मैंने सोचा कि आपको एक वीडियो बना के इन्फॉर्म कर दूँ और बता दूँ क्या कुछ चेंजेस किया गया है, क्या कुछ चीज़ें अपडेट की गई हैं, और अभी आप स्विच कर सकते हैं कि नहीं किसी दूसरे एप्लीकेशन पर। तो चलिए गाइज, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गाइज, जो व्हाट्सएप की नई पॉलिसी आई है इसमें क्या कुछ चेंजेस की गई है और ये क्यों किया गया है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि हमें पहली बार ये परमिशन देना पड़ा है। व्हाट्सएप ने जो भी परमिशन अभी मांगी है उसमें से लगभग 70% परमिशन उन्होंने ऑलरेडी मांग रखा था। जो नए 30% यहाँ पर परमिशन उसने अब मांगा है, उससे लेके ज़्यादा दिक्कत हो रही है लोगों को। तो दोस्तों, अभी व्हाट्सएप ने जो अपनी पॉलिसी चेंज की है उसमें सबसे मेन इशू ये आ रहा है कि उसने साफ साफ ये मेंशन कर दिया कि जो भी हमारा डाटा रहेगा वो फेसबुक के साथ शेयर कर देगा। और जो फेसबुक की हिस्ट्री है वो इतनी अच्छी नहीं है, हम जानते हैं कि फेसबुक ने हमारा डाटा बहुत बार लीक किया है दूसरे थर्ड पार्टी को। और ऊपर से ये भी है कि अगर आपने टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री नहीं किया तो आपका जो अकाउंट है व्हाट्सएप का वो 8 फरवरी के बाद डिलीट कर दिया जाएगा। यानी कि अगर आपको व्हाट्सएप को चलाना है तो आपको इस टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करना होगा, अदरवाइज आप 8 फरवरी के बाद व्हाट्सएप को यूज़ नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि व्हाट्सएप हमारे कौन कौन से डाटा को फेसबुक के साथ शेयर करने वाला है। और यहाँ पे जो मेन चीज़ें शेयर करने की बात की गई है उसमें हमारा डिवाइस की लोकेशन है, डिवाइस का नाम है, आईपी एड्रेस है, उसके अलावा यहाँ पे हमारा मोबाइल नंबर, हमने जिस नाम से अपना व्हाट्सएप अकाउंट बनाया है, सारी चीज़ें व्हाट्सएप फेसबुक के साथ शेयर करने वाला है। क्योंकि ये जो व्हाट्सएप है फेसबुक का ही है, यानी कि जो इसका ऑनर है व्हाट्सएप का वो फेसबुक का मालिक है, यानी कि फेसबुक का ऑनर यानी व्हाट्सएप का ऑनर दोनों सेम ही है। उसके अलावा दोस्तों, आप सोच रहे हो कि जो हमारा चैट होगा क्या वो भी शेयर हो जाएगा, तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। आपका जो चैट रहेगा वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो एक मेजर चेंज किया गया है वो ये है कि जैसे मान लीजिए आपने कोई खाने पीने की चीज़ें बात करी, कोई ड्रेस शॉपिंग करने वाली चीज़ें बात करेंगे, उससे रिलेटेड अगर बात करेंगे तो वो जो चीज़ें होगी वो व्हाट्सएप डिटेक्ट कर लेगा। मान लीजिए आपने डेयरी मिल्क चॉकलेट के बारे में बात किया तो वो चीज़ वो डिटेक्ट कर लेगा, और यानी कि जब आप फेसबुक को खोलेंगे तो आपको डेयरी मिल्क 5-स्टार जैसे चॉकलेट के ऐड आने लग जाएंगे। क्योंकि फेसबुक ये चाहेगा जो हमारा यूज़र है, जो जिसका अकाउंट है और जिस टॉपिक पे बात कर रहा है उसी टाइप को अगर उसको ऐड दिखाएंगे तो जाहिर सी बात है उसको अगर वो चीज़ पसंद आती है तो खरीद भी लेगा। यानी कि जिस आदमी को जिस तरह की चीज़ की ज़रूरत है उस तरह के ऐड दिखाने के लिए व्हाट्सएप ने अपना डाटा फेसबुक के साथ शेयर करने का यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन लाया हुआ है। तो दोस्तों, आप चाहें तो व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल कर सकते हैं और इसका अल्टरनेटिव एप्लीकेशन जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कि व्हाट्सएप वर्सेस टेलीग्राम वर्सेस सिग्नल ऐप में से कौन सा एप्लीकेशन बेस्ट है अभी इस टाइम पे यूज़ करने के लिए, किसमें आपको ज़्यादा प्राइवेसी मिलती है, कौन सा एप्लीकेशन ज़्यादा सिक्योर है। तो सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट आता है एंड टू एंड इंक्रिप्शन का। तो यहाँ पे तीनों में ही आपको एंड टू एंड इंक्रिप्शन मिल जाता है, लेकिन एंड टू एंड इंक्रिप्शन में भी व्हाट्सएप के अंदर थोड़ा सा यहाँ पे झोल किया गया है। यहाँ पे जो आप किसी प्रोडक्ट से, किसी खरीदने वाली चीज़ से, किसी खाने पीने की चीज़ से रिलेटेड बात करेंगे तो वो शेयर हो जाएगा फेसबुक के साथ। बाकी जो दो एप्लीकेशन है टेलीग्राम और सिग्नल, इस पे जो आपका डाटा रहेगा बिल्कुल सिक्योर रहेगा। और मैं आपको दोस्तों एक कमाल का फैक्ट बताता हूँ, जो सिग्नल एप्लीकेशन है, जो सिग्नल कंपनी है, वो व्हाट्सएप के लिए एंड टू एंड इंक्रिप्शन कोड जनरेट करने का काम करती है। तो आप सोच सकते हैं कि व्हाट्सएप सिक्योर है या सिग्नल एप्लीकेशन। और आप चाहे तो सर्च भी करके पता कर सकते हैं कि व्हाट्सएप का जो एंड टू एंड इंक्रिप्शन का जो कोडिंग का काम है वो कौन सा कंपनी करता है, तो आपको सिग्नल एप्लीकेशन ही मिल जाएगा, सिग्नल कंपनी का नाम देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका चैट बिल्कुल सिक्योर रहे तो इसमें सिर्फ आपको सिग्नल एप्लीकेशन के अंदर ही एंड टू एंड इंक्रिप्शन देखने को मिलेगा। और बात करें ग्रुप चैट की, तो आपको व्हाट्सएप के अंदर और टेलीग्राम के अंदर प्राइवेसी नहीं मिलती है। दोस्तों, आप सोच रहे हैं कि व्हाट्सएप के अंदर ग्रुप चैट में भी एंड टू एंड इंक्रिप्शन देखने को मिलता है, लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी जो व्हाट्सएप के ग्रुप के लिंक है वो आपको गूगल सर्च के इंजन में आने लग गए हैं। आपको यकीन नहीं होता तो आप जाकर सर्च कीजिए व्हाट्सएप ग्रुप लिंक, और आपको बहुत सारे वेबसाइट और बहुत सारे लिंक मिल जाएंगे जिससे आप क्लिक करके और डायरेक्टली व्हाट्सएप पे ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि मैंने एक टेस्ट करने के लिए ऐसे ग्रुप सर्च किया और ज्वाइन करने की कोशिश की और मैं इजीली ज्वाइन भी हो गया।
तो यहाँ पे ग्रुप के अंदर भी प्राइवेसी नहीं रखी गई है व्हाट्सएप के अंदर, और उसके अलावा टेलीग्राम के अंदर भी ग्रुप के अंदर कोई प्राइवेसी नहीं होती है। यहाँ पे भी कोई भी किसी को ग्रुप के अंदर जोड़ देता है और कोई भी कहीं से जोड़ सकता है किसी भी लिंक के थ्रू। लेकिन आपको सिग्नल एप्लीकेशन में ग्रुप के अंदर भी एंड टू एंड इंक्रिप्शन देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अब ये मत सोचना कि सिग्नल एप्लीकेशन ने मेरे को कोई पेड परमोशन करने के लिए दिया है, ये चीज़ें मैंने खुद ही जाके सारी चीज़ें सर्च करी है और सिग्नल एप्लीकेशन को भी यूज़ करा है, चलाया है, जब भी मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। अदरवाइज़ मैं आपको ये सारी चीज़ें ऐसे ही बिना एक्सपीरियंस के नहीं बता सकता। उसके अलावा दोस्तों व्हाट्सएप के अंदर और सिग्नल एप्लीकेशन के अंदर आपको वॉइस कॉल और वीडियो कॉल दोनों करने का ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन आपको टेलीग्राम के अंदर सिर्फ वॉइस कॉल करने का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे वीडियो कॉल जल्दी आने वाला है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो ग्रुप मेंबर ऐड करने की कैपेसिटी है, व्हाट्सएप के अंदर 257 लोग किसी ग्रुप के अंदर मैक्सिमम ऐड हो सकते हैं, वहीं टेलीग्राम के अंदर आप 200,000 लोगों को ऐड कर सकते हैं किसी सिंगल ग्रुप के अंदर। वहीं टेलीग्राम के अंदर दोस्तों आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर देखने को मिलते हैं। यहाँ पे एक जो मेन फीचर है जो कि काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे अगर आप किसी से जुड़ना चाहते हैं तो यूज़र नेम से भी जुड़ सकते हैं और मोबाइल नंबर से भी जुड़ सकते हैं। उसके अलावा आप टेलीग्राम के अंदर आप यूट्यूब की तरह एक चैनल बना सकते हैं, यहाँ पे वीडियो अपलोड कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों तीनों कंपैरिजन जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। और हम मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।